भगवान को अगर पाना है तो धन की आवश्यकता नहीं, आपके पास धन नहीं हो चलेगा, आपके पास सुंदर रूप नहीं हो चलेगा, लेकिन आपका मन सुंदर होना चाहिए। सुंदर मन से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। अगर भक्त के मन में कपट हो तो ऐसे भक्त कभी भगवान को नहीं पा सकते। भक्तों की लक्षण क्या है? भक्त वही है जो सबको समान रूप से प्रणाम करे। अगर भक्त के भीतर भेदभाव आ जाए तो भक्त नहीं बन सकता। अगर भगवान को पाना है तो मन को सुंदर करो, क्योंकि भगवान आपके रूप को नहीं देखते। आप यहाँ आने से पहले कितना सुंदर बन के, कितना तैयार होके, कितना मेकअप करके आए हैं, ये मायने नहीं रखता, क्योंकि ये भगवान का द्वार है। यहाँ पर आप सुंदर तन से मत आओ, सुंदर मन से आओ तो आपकी ओर भगवान अवश्य दृष्टिपात करेंगे। एक बार भगवान हमें देख ले तो जीवन धन्य हो जाता है। हर मनुष्य को अगर भगवान से जुड़ना है ना, तो सबसे पहले सत्संग करना होगा। सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। आप सोचो कि बिना सत्संग सुने भगवान मिल जाएंगे? कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि सत्संग में आपको सब कुछ पता चल जाता है। कैसे भगवान को पाना चाहिए, क्या माध्यम है, आप अगर सत्संग में बैठेंगे और ध्यान से सुनेंगे तो आपको भगवान अवश्य मिल जाएंगे। देखो, सबरी मैया को भगवान मिले, कैसे मिले? केवल उनके अकेले के चाहने से नहीं मिले। देखो, भगवान को पहचानना भी तब तक संभव नहीं होता जब तक हम सत्संग से जुड़ते नहीं। सबरी मैया ने भगवान को पाया, गुरुदेव के द्वारा सत्संग श्रवण किया था। मतंग ऋषि के संग के माध्यम से, उनके उपदेश को श्रवण करके, उनके द्वारा बताए हुए मार्ग में चल के, भक्ति करके सबरी ने भगवान श्री राम को पाया। उसी प्रकार अगर हमें भी भगवान चाहिए तो सत्संग से जुड़ना होगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहले माँ आप संतों के संग करें, सत्संग करें, और उसके बाद में आप मुझसे प्रेम करें, यानी भगवान से प्रेम करें। और उसके बाद क्या करना होगा? देखो, भक्त वो नहीं होता जो दूसरों का निंदा करे। अगर आप वास्तविक भक्ति करते हैं तो आप दूसरों का कभी उपहास नहीं करते। एक सच्चा भक्त मंदिर में भगवान को देखता है और साथ में दुनिया में जितने भी लोग हैं, छोटे बड़े, अच्छे बुरे, सबके भीतर भगवान के भाव से प्रणाम कर सके, वही सच्चा भक्त है। पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक मनुष्य के भीतर भगवत भाव से प्रणाम करे, वही सच्चा भक्त है। आज भगवान श्री कपिल देव जी अपनी माँ को समझा रहे, माँ इस शरीर के मोह से आप मुक्त होना चाहते हैं, इस बंधन से अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो सबको आप समान भाव से देखें, सब में भगवान है, इस भाव से सबको प्रणाम करें। और इस शरीर से आप बंधन मुक्त होना चाहते हैं तो बस एक बात समझ लो, ये शरीर कैसे बनता है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंच तत्वों से निर्मित शरीर है, जिस दिन श्वास निकल जाए उस दिन ये मुर्दा कहलाएगा। घर में अगर किसी का मृत्यु हो जाए, पहले जिसको इतना प्रेम करते थे, पहले जिसको इतना प्रेम करते थे, भाई, पति, ये मेरा बेटा, उसके बिन एक पल भी रहना मुश्किल होता था। कहीं दूर चला जाए तो उसी की चर्चा करते थे। लेकिन अगर उसके भीतर से श्वास निकल जाए,
तो वही चाहने वाले, वही रिश्तेदार, वही संबंधी, वही अपने जन कहते हैं कि इस शरीर को जल्दी से घर से बाहर निकालो। अब यहाँ से बदबू आने लगा है, इस बॉडी को बाहर करो। एक पल में पूरे रिश्ता खत्म हो जाता है, शरीर की ये अवस्था है। जब प्राण निकल जाए तो उस शरीर से भी मोह खत्म हो जाता है। तो वास्तविक तत्व केवल भगवान है, सत्य केवल ईश्वर है, उनके अलावा कुछ भी सत्य नहीं। जिस दिन आप इस सत्य को पहचानोगे, संसारिक बंधन से अपने आप मुक्त हो जाओगे।